जी हाँ, अफ्तारी हो गई 21वीं भी और अब 22वें रोजे की तैयारी। वक्त ऐसे ही गुजर जाता है। कल की बात है, मैं पहली दफ़ा हमारे जितने यहाँ पे उलमाए कराम हैं इन सबसे मिला। कंफ्यूज सा था, मैंने कहा पता नहीं क्या करेंगे मेरे साथ, लेकिन इतने प्यारे प्यारे मेरे दोस्त बन गए सारे और मेरी इतनी हेल्प की है कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। रिस्क मेरे हाथ में, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। सो थैंक यू, आप सबका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ मैं इस प्यार का, इस मोहब्बत का बहुत बहुत शुक्रिया। बच्चे यहाँ पे मौजूद हैं, आपका ख़ास तौर पर शुक्रिया, अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। आमीन। आज तो आपकी तरफ से खास है, तमाम है, मैं और मेरे एक दोस्त हैं उनकी तरफ से हैं। चले अल्लाह ताला उनको भी जज़ाए खैर अता। आमीन। जी भैया, खाना पीना चल रहा है आपका? कॉपी लग रहे हैं आप हमें किसी की, ऐसा क्यों है? बताइए ना, माइक में बताइए। ऐसा लग रहा है जिनके पीछे हम भाग रहे होते हैं उनका बचपन लग रहे हैं आप। कुछ बोलिए ना, खामोश हो गया। रोज़ा नहीं खोला आपने? हैं, रोज़ा खोला आपने? रोज़ा खोला? अच्छा, आज रोज़ा था? कैसा रहा? खूब खाते हो सहरी, या कहते हो बस थोड़ा सा खाऊंगा यार? थोड़ा सा नहीं है, थोड़ा सा। वाकई? कितना थोड़ा? थोड़ा सा। तो दिल नहीं करता ज्यादा खा लें यार? नहीं। क्यों? भूख नहीं लगती? नहीं यार, तो सही बात नहीं है भाई, खाया करो ज्यादा दबा के। ये देखो मछली खा रहा हूँ मैं। कैसी हैं आप? कौन सी क्लास में हो? 4। क्या बात है, और क्या इस खेलते हो कुछ? नहीं। क्या? क्रिकेट। मोबाइल पे गेम खेलते हैं? क्रिकेट भी खेलते हो? सड़क पे या घर में? घर में। स्कूल में? स्कूल में पासिंग द पास। फुटबॉल स्कूल में? फुटबॉल, क्या बात है। वो देखो तुमसे छोटा है, रुक नहीं रहा और तुम खा नहीं रहे, ये अच्छी बात नहीं है यार। आपका क्या नाम है बेटा? दानिया उजैर। कौन सी क्लास में आप? 3A। अच्छा, कैसी चल रही है पढ़ाई? अभी जा रहे हैं स्कूल? छुट्टियां हो गई। आपकी छुट्टियां हो गई? हाउ लकी। मेरी बेटी की छुट्टियां नहीं हुई, वो कह रहे हैं अभी 5-6 दिन के बाद देंगे। चलें अच्छी बात है, तो रोजे तो फिर सही जा रहे होंगे जी। क्या करती हैं सारा दिन घर में? मामा का हाथ बटाती हैं जी? खाना पकाने में? नहीं बटाती। खाने बनाने में नहीं करती? तो मामा अकेली करती हैं जी। अरे अच्छा, मैं बड़ी होंगी तो करूंगी। बड़ी होगी तो करोगी। अच्छा मुझे सच सच बताओ, बाबा हाथ बटाते हैं मामा का खाना बनाने में? नहीं करो। मोड़ तो कह रहा है बटाते हैं। मामा अकेले खाना बनाती हैं जी? सहरी भी आपको कराती हैं जी? नाश्ता भी कराती हैं जी? सहरी भी करती हो, नाश्ता भी करती हो? हैं? हाँ कह रही हाँ, सहरी भी करती हूँ नाश्ता। नाश्ता और सहरी खुद करती हूँ। अच्छा, साथ में करती हो नाश्ता और सहरी? ठीक है, सही है। भाईजान, भाई साहब, क्या खाया था आज सहरी में? गुस्से में क्यों है यार, खाया जा रहा, रुक ही नहीं रहा। हाँ भाई, तो यार एक सवाल हमने। हाँ भाई, आपका नाम क्या है भैया? हमदान। हैं? हमदान। हमदान? यस। क्या बात है यार, रोजा था? हाँ? रोजा था? हाँ। जी बोलो। जी जी, क्या खाया रोजे में? पराठा एंड चाय। वाह, क्या बात है। तो भूख नहीं लगी फिर सारा दिन? आप बताएं ना, आप बड़े भाई हैं, आप बताएं।
क्या कह रहे हो? भूखा रहा है? अरे भूखा नहीं रहते भाई, सहरी करते हैं। सुन रहे हो? सहरी करना अच्छी बात है, सहरी का भी सवाब होता है ना। तो मुझे एक वीडियो बड़ी अच्छी लगी, किन साहब की है मुझे नहीं पता, लेकिन उन्होंने बड़े सीरियसली बात शुरू की कि जब तक हम खुद अपने आप को नहीं बदलेंगे तब तक मुल्क कैसे बदलेगा। कहते हैं तब्दीली लाओ तब्दीली लाओ, कहते कैसे तब्दीली आएगी जब तक हम अपने अंदर तब्दीली नहीं लाएंगे। कहते 20 रोज़े हो गए अभी तक किसी ने इफ्तारी की दावत नहीं दी, तो कहाँ से तब्दीली आएगी। ये वैसे वाकई आखिर में जो उसने टर्न मारा ना वो बड़ा मजे का था बहुत, लेकिन कुछ लोगों ने दावत करवाई है माशाल्लाह, दावत खिलाई है। बिल्कुल, हर से माशरा बनता है, हर शख्स जब अपनी इसलाह कर ले तो माशरा खुद बहुत अच्छा हो जाए। क्या बात है शाहजी, मैं आज सबसे पहले थैंक यू करना चाह रहा हूँ जी नहीं, मेरे बड़े प्यारे दोस्त हैं उनकी जानिब से, मैंने उनसे दरख्वास्त की तो उन्होंने मुझे यहाँ ये बड़ा ज़बरदस्त खाना भिजवाया रान और नान की जानिब से, बड़ा ज़बरदस्त खाना है, मुफ्ती साहब को बड़ा पसंद आया, मैं भी रान खा रहा हूँ बाय द वे, सो थैंक यू। रीफ लैंड का मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, बच्चों के साथ एक गिफ्ट हैम्पर्स जाते हैं हमारे, ये बड़े ज़बरदस्त गिफ्ट हैम्पर्स है, सिर्फ बच्चों के साथ नहीं जो रनर्स अप हैं जो और यहाँ पे लोग आते हैं उनके साथ भी इसके गिफ्ट हैम्पर्स जा रहे होते हैं। हमारे फौजी चकल्स हैं सीरियल्स, वो भी हमारे बच्चों के साथ जाएंगे, और मैं बार बार ये कह रहा हूँ मल्टीग्रेन है विटामिंस हैं, बच्चों को सहरी में या नाश्ते में ज़रूर दें, बच्चों की सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। और बच्चों के हवाले से बात हो रही है तो डियर पेंसिल यहाँ पे मौजूद है, इसके भी गिफ्ट हैम्पर्स हैं जो बच्चों के साथ जाएंगे। फिर जमजम है जी, जमजम बेकर्स केक भेजते हैं, मिठाइयाँ भेजते हैं इतनी मज़े मज़े की, मैं तो सिर्फ देखता रहता हूँ, कोई नहीं अगर ईद पर भेजा तो खा लूँगा, नहीं भेजा तो नहीं खाऊंगा भाई, मैं क्या कह सकता हूँ आपको। और जी इंटरनेशनल की जानिब से गिफ्ट हैम्पर हैं, ये भी बच्चों के साथ जाते हैं, मिल के पढ़ेंगे आगे बढ़ेंगे। फिर जईम होम किचन है हमारे पास, उनका हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, बड़े ज़बरदस्त प्लेटर्स हैं, एंड ऑब्वियसली बच्चों का बड़ों का सबका पसंदीदा KFC वो यहाँ पर है। खाओ ना बेटा, रुक क्यों गई तुम, KFC खाओ, KFC खाओ, हमारे पास केक्स भी हैं, हमारे पास KFC भी है, हमारे पास और भी चीज़ें खाने की, खाएं बिल्कुल इंजॉय करें। और खाना पीना तो चलता ही रहता है, मैं वहाँ चला जाता हूँ अब ये प्लेटर लेके, आहिस्ता आहिस्ता खाता भी रहूँगा, बातें भी करता रहूँगा, बहुत सारे सवालों के जवाब भी हमें मिले आज आप सब से, भी हम यही ख्वाहिश करेंगे। बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।